मारखोर नायाब जानवर हैं और बुनियादी तौर पर सुबह सवेरे और सपहर में सरगर्म रहते हैं। उनकी खुराक मौसम के एतबार से बदलती रहती है। बहार और गर्मी के मौसम में वो सिर्फ घास चरते हैं, लेकिन सर्दियों में दरख्तों के पत्ते भी खाते हैं। बाज़ औक़ात ऊंची शाखों तक पहुंचने के लिए अपनी पिछली टांगों पर खड़े होते हैं। मारखोर रेवड़ में रहते हैं, जो आम तौर पर 9 मारखोरों पर मुश्तमिल होता है। रेवड़ में मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जबकि नर मारखोर अक्सर तन्हा रहना पसंद करते हैं। मारखोर की ज़्यादातर आबादी बालिग मादा और छोटे मारखोरों पर मुश्तमिल होती है। इन शानदार जानवरों में बहुत से शिकारी होते हैं और इसी वजह से करीबी शिकारियों का पता लगाने के लिए गहरी नज़र और सूंघने की शदीद हिस रखते हैं। मारखोर अपने गिर्दोनवा से बहुत बाखबर होते हैं और शिकारियों से चौकन्ना रहते हैं, और खुले इलाकों में वो शिकारियों से ज़्यादा तेज़ नज़र आते हैं और भाग जाते हैं। ख़तरे के वक्त उनकी आवाज़ देसी बकरियों से मिलती जुलती है। मौसम के अवायल में नर और मादा एक साथ खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जबकि मौसम गर्मा के दौरान नर जंगल ही में रहते हैं, जबकि मादा आम तौर पर बुलंद तरीन चोटियों पर चढ़ जाती हैं। मारखोर एक कसीरुल जिन्सी मिलाप के निज़ाम की नुमाइश करता है। ये सर्दियों में जोड़े बनाकर हम आहंगी करते हैं। इस दौरान नर एक दूसरे के सींगों में सींग फंसा के सबकत ले जाने की कोशिश करते नज़र आते हैं। मादा का हमल 135 से 170 दिन का होता है और आम तौर पर एक या दो बच्चों की पैदाइश होती है, और कभी कभार 3 बच्चों की भी पैदाइश होती है। और जो बच्चे मुकम्मल यानी फुली डेवलप पैदा होते हैं, वो पैदाइश के फौरन बाद चलने के काबिल होते हैं। माएँ 6 माह तक अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं और इसके बाद वो ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं। नौजवान नर और मादा मारखोर 18 से 36 माह की उम्र में तौलीदी तौर पर बालिग हो जाते हैं। मारखोर फ़ारसी और पश्तो के अल्फाज से माखूज है। मार का मतलब सांप और खोर का मतलब खाने वाला। ये एक बड़ा जंगली बकरा है जो पहाड़ों का मस्कन है और मगरबी और वस्ती एशिया के ऊंचे और घने जंगलात में पाया जाता है। ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है और इसे पेचदार सिंग वाला बकरा शाखवाद भी कहा जाता है। वो बेहतरीन कोहो पेमा और चट्टानी पहाड़ों पर छलांग लगाते हैं। जुगाली के दौरान जो झाग निकलती है नीचे गिरकर खुश्क और सख्त हो जाती है, जिसे मकामी लोग सांप का जहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मारखोर ज़्यादातर पाकिस्तान के बालाई इलाकों जैसे चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हुंजा में पाया जाता है। ये सर्दियों के मौसम में चट्टानों पर झुरमट में रहना पसंद करता है, लेकिन खिजा के मौसम में ये सरसब्ज इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। नर मारखोर के ठोड़ी, गले, सीने और पिंडलियों पर लंबे बाल होते हैं, जबकि मादा का रंग सुर्खी माइल होता है। उनके छोटे बाल
और छोटी स्या दाढ़ी होती है। मारखोर गर्म मौसम में जंगल में रहता है, जबकि मादा मारखोर सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ती है। ताहम वो शदीद मौसमी हालात से बचने के लिए सर्द मौसम में निस्बतन कम ऊंचाई वाले इलाके में उतरते हैं। वो दिन में तकरीबन 8 से 12 घंटे चारा खाते हैं और फिर दोपहर के वक्त आराम करते हैं। मारखोर को आम तौर पर दीगर 83 जंगली बकरों के साथ तहफ़ुज़ के मकसद के लिए चिड़ियाघर और जंगली हयात के पार्कों में रखा जाता है। मारखोर की औसत उम्र 10 से 13 साल होती है। ये खाने के वक्त हसास होते हैं। ख़तरे को महसूस करते ही जो आवाज़ निकालते हैं वो देसी बकरी की तरह होती है। ये 2015 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में खतरे से 2-4 जानवरों की सिफ में शुमार किया जाता है। गुज़िश्ता 15 सालों यानी 2006 से 2020 के दौरान चित्राल गोल नेशनल पार्क में सैकड़ों मारखोर हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में इन जानवरों के बराह रास्त शिकार और कुदरती माहौल की ख़राबी से पाकिस्तान में मारखोर के तहफ़ुज़ के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे।